अब हम शुरू करते हैं सेल लेयर्स, सेल लेयर्स की बात करते हैं। तो सेल लेयर जनरली जो है दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो दो और तीन कैसे होते हैं? अब हमारे जो, अगर आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको मैम ने ये सारी चीजें बताई होगी कि मोरूला स्टेज, पहले फर्टिलाइजेशन होता है एग का, एग का फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वो क्या टू सेल स्टेज में आता है, फिर फोर सेल स्टेज में आता है, फिर फोर डेज पे क्या मोरूला के स्टेज में आता है। मोरूला के बाद थोड़ा और क्लीवेज होती है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद लेट ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद बनता है ये गैस्ट्रुला स्टेज। ये जो गैस्ट्रुला स्टेज बनता है यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि वो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। डिप्लोब्लास्टिक मतलब उसमें दो लेयर होंगे या तीन लेयर प्रेजेंट होंगे। अब वो दो लेयर तीन लेयर में किस चीज को बोल रही हूँ वो देखो, दो लेयर तीन लेयर, दो लेयर बोले तो ओनली प्रेजेंट होते हैं एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सिर्फ अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो ही लेयर हैं, डिप्लो, डिप्लो मीन्स टू, टू लेयर, ओनली टू लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक। देखो अभी जो मैंने बताया ये आपको पढ़ने के लिए नहीं बताया, ये मोरूला ब्लास्टुला तो मैम ने आपको बता दिया होगा ना ये सारा चीज कि मोरूला क्या है, ब्लास्टोसिस क्या है, लेट ब्लास्टोसिस क्या है, गैस्ट्रुला, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप ये ध्यान में रख लो कि जब एग फर्टिलाइज हो रहा है टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज आएगी, फिर उसके बाद कुछ स्टेजेस आते हैं, सेल और डिवाइड होता जाता है टू से फोर, फोर से एट, और ऐसे ऐसे कई सारे स्टेजेस आते हैं। तो उन स्टेजेस में पहले आता है मोरूला, उसके बाद आता है ब्लास्टोसिस अर्ली, फिर लेट ब्लास्टोसिस, एंड में आता है गैस्ट्रुला। आपको मतलब किस फेज से है? गैस्ट्रुला फेज से है, क्योंकि इसी गैस्ट्रुला फेज में है जो है लेयर दो बार बन, दो या तीन पार्ट में बनती हैं। या तो बन जाएगा सिर्फ दो लेयर जिनमें होगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म, या बन जाएंगे तीन लेयर जिनमें होगा एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो यहाँ पे आपको ये नहीं याद रखना है कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि एनिमल की क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है। यहाँ पे बेसिस यही है कि अगर दो लेयर हैं तो डिप्लोब्लास्ट होंगे, अगर तीन लेयर हैं तो ट्रिप्लोब्लास्ट होंगे। तो डिप्लोब्लास्ट की कैटेगरी में रखेंगे या ट्रिप्लोब्लास्ट की कैटेगरी में रखेंगे, आपको मतलब बस इस चीज से होना चाहिए। समझ गए? तो ठीक, अभी तक हमने क्या देखा? पहला जो देखा वो देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वापस से रिपीट कर रही हूं मैं, दिमाग में एकदम वापस से लिख लो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? या तो सिर्फ सेल प्रेजेंट है या फिर प्रेजेंट है बस टिश्यूज। ठीक, अगर सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है और कई तरह के सेल्स मल्टी सेलुलर है तो उसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसको हम रखते हैं पैराजोआ में। ठीक, अब उसके बाद अगर वो सेल्स एग्रीगेट होके टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना चुके हैं तो हम उनको रखते हैं यू मेटाजोअंस में। समझ आ गया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। अब उसके बाद दूसरी होती है सिमेट्री की बात। सिमेट्री में हम बोलेंगे जो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो एकदम शुरुआत में आ रहे हैं, बिल्कुल शुरू शुरू में नए हैं, न्यूबी एनिमल्स हैं, उनमें क्या, उनमें सिमेट्री जो होती है एसिमेट्रिकल होते हैं, उनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। एग्जाम्पल पूरी फेर। बस अब इसके बाद दो नई चीजें आती हैं, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री वो होती है जो कि कहीं से भी किसी भी एंगल से उनको कट करो तो वो पिज्जा की तरह इक्वली जो है कट हो जाती हैं। ये चीज समझ में आया? अब इसके बाद जैसे ही इवोल्यूशन और ज्यादा बढ़ता है तो फिर आ जाता है बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब उनको आप सिर्फ किसी एक एंगल से कट करोगे और वो एक सीधा एंगल कट करने पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं तो उनको हम बोल देते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अभी तक कुछ टफ है? कुछ भी टफ लग रहा है? नहीं। अब इसके बाद क्या, सेल लेयर की बारी आती है। अब सेल लेयर के बेसिस पे भी एनिमल्स डिवाइड होते हैं। कैसे? फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका
टू सेल स्टेज, फोर सेल स्टेज बनता है, फिर मोरूला बनता है, अर्ली ब्लास्टुला, लेट ब्लास्टुला, फिर बनता है गैस्ट्रुला। अब इस गैस्ट्रुला में डिसाइड होता है कि कितने लेयर्स जो हैं वो बनेंगे एनिमल की बॉडी में, अब फॉरएवर कितने लेयर रह जाएंगे। तो वो लेयर दो भी हो सकते हैं, वो लेयर तीन भी हो सकते हैं। अगर लेयर दो प्रेजेंट हुए, सिर्फ ये एक्टोडर्म और सिर्फ अंदर का एंडोडर्म प्रेजेंट रहा, ये पिंक वाला पोर्शन और ये ब्लू वाला पोर्शन बस प्रेजेंट रहा, तो हम उसको बोल देंगे डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन अगर साथ साथ में ये येलो वाले पोर्शन भी अवेलेबल हैं तो हम उनको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये येलो वाला पोर्शन जो है वो है मीजोडर्म। तो डिप्लोब्लास्ट मैंने क्या है, एक एंडोडर्म है और एक एक्टोडर्म है, और इसके बीच में जो लेयर आपको दिख रही है, बोलोगे मैम ये तो तीन लेयर दिख रही है, तीन लेयर नहीं है भाई, यहाँ पे कोई सेल नहीं होता है, यहाँ पे कोई फ्लूइड भरी होती है, कोई फ्लूइड जो है जनरली पाई जाती है, तो यहाँ पे कोई लेयर नहीं होता है। जब लेयर नहीं होता है, सेल्स का लेयर, टिश्यू का लेयर नहीं होता है, तो ये क्या है, ये हो जाएंगे डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, अब इसके बाद जो डिप्लोब्लास्ट की बात कर रहे हैं, अब ये सारे जो सेल लेयर की बात कर रहे हैं ये पोरीफेरा में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, पोरीफेरा में डिप्लोब्लास्ट भी एब्सेंट होता है, ट्रिप्लोब्लास्ट भी एब्सेंट होता है। जब ये शुरू होता है, ये शुरू होता है सिलेंट्रेट से, या जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो हाइड्रा में आप क्लियरली देखोगे कि ये एक्टोडर्म आएगा, फिर एंडोडर्म होगा, और बीच की लेयर जो है मीजोग्लिया से भरी होती है। तो ये मीजोग्लिया जो है डेराइव होता है मीजोडर्म से, पर ये मीजोडर्म नहीं होता है। तो याद रखना, डिप्लोब्लास्ट कहाँ होगा, सिलेंट्रेटा में होगा। डिप्लोब्लास्ट कौन से है, सिलेंट्रेटा में। और उसके बाद प्लेटीहेलमिंथ्स टू कॉर्डेटा, जितने फाइलम्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मतलब उनमें तीन लेयर होंगे। तो आपको याद रखना, प्लेटीहेलमिंथ्स से कॉर्डेट्स तक जितना भी वॉल्यूशन होगा वो सब ट्रिप्लोब्लास्ट होंगे। समझ में आ रहा है, डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट, ये एक्टोडर्म की लेयर है, और ये जो ग्रे कलर की आपको दिख रही है ये ग्रे वाली लेयर है एंडोडर्म, और बीच का लेयर जो है मीजोग्लिया है, ये कोई ट्रू टिश्यूज नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे अगर टिश्यू की बात करें तो दो ही ट्रू टिश्यूज पाए जा, दो लेवल पाए जा रहे हैं, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। ठीक, डिप्लोब्लास्टिक हुए, ट्रिप्लो में क्या तीन लेयर हो रहे हैं, यहाँ पे पिंक में भी देखो मीजोडर्म की टिश्यूज जो है प्रेजेंट है, मीजोडर्म सेल्स प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट बोल रहे हैं। हिमानी ने पूछा है मैम पोरीफेरा को ऑर्गेनिज्म कंसीडर क्यों करते हैं, भाई इतनी कहानी में क्यों बता रही हूं और आगे क्यों बताऊंगी, आपको ऑर्गेनिज्म क्यों डिसाइड करते, क्यों क्यों कंसीडर करते हैं, मतलब हिमानी ऑर्गेनिज्म क्यों है, क्यों है मेरे को कोई बता दे भाई, तुम्हारे में कुछ है कैरेक्टरिस्टिक जो तुमको एनिमल में रखते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग में रखते हैं। ठीक, तो देखते जाओ क्या है, फिर उसके बाद पूछ लेना कि क्यों रखते हैं पोरीफेरा में, क्यों नहीं रखते हैं। मैंने बोला तो उसके बाद जो एनर्जी ब्रेक होगी आपकी, और एनर्जी ब्रेक के बाद जो क्लास होगी उसमें आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि पोरीफेरा को क्यों, कहां, क्या, कैसे रखते हैं, बराबर। अभी बॉडी कैविटी की बात करते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखो कि बॉडी कैविटी तभी होगी जब एनिमल में तीन लेयर आ जाएंगे, थ्री लेयर आ जाएंगे तभी कैविटी बनेगी। तो मतलब कैविटी आने के लिए जरूरी है कि एनिमल पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाए। तो इवोल्यूशन में कैविटी तभी इंट्रोड्यूस होगी, चाहे वो एसिलोम हो, यूसिलोम तभी आएगा जब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, उसके पहले जो है सीलोम जो है इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो सीलोम, अब सीलोम आप बोलोगे सीलोम कहते किसको है, तो मीजोडर्म, सीलोम जो है मीजोडर्म से डेराइव होके एक स्पेस बनती है, ब्लैंक स्पेस बनती है या कैविटी या सीलोम। एक्चुअली सीलोम वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो कैविटी ही है, वो स्पेस ही है।
तो जब मीजोडर्म से एक स्पेस खाली जगह बनती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, सीलोम, कैविटी, हॉलो स्पेस। ठीक, अब ये कैविटी कैसे बनती है, अभी हमने दो लेयर देखे थे, ठीक, दो लेयर देखे थे। अब अगर हम इन लेयर्स को देखें तो मीजोडर्म जो होती है, सपोज ये हो गया आपका एंडोडर्म, ये मोटा सा, ये आपका एंडोडर्म हो गया, बराबर दिख रहा है सबको। इसके बाद आया आपका मीजोडर्म का एक लाइन, ठीक, के बाद मीजोडर्म की एक लाइनिंग आई, ठीक, उसके बाद एक और मीजोडर्म की लाइनिंग आई, और उसके बाद आया आपका इसी से जुड़ा हुआ एक्टोडर्म। तो समझ रहे हो कि ये जो ब्लैंक स्पेस बना है, कहां ये जो ब्लैंक स्पेस, ये जो ब्लैंक स्पेस बना हुआ इसके बीच में, तो इसको हम बोलते हैं कैविटी। ये खाली जगह है, खाली जगह है, ये एक्टोडर्म है, ये ब्लू वाला जो है एंडोडर्म है, और ये जो दोनों रेड कलर के दिख रहे हैं, ये दोनों रेड वाले क्या हैं, मीजोडर्म हैं। मतलब मीजोडर्म की दो लाइनिंग के बीच, मीजोडर्म की इंटरनल लाइनिंग, मीजोडर्म की आउटर लाइनिंग, इनके बीच एक कैविटी बनती है, एक कैविटी बनती है जिसमें ऑर्गन्स जो होते हैं सस्पेंड रहते हैं। इन्हीं कैविटी को हम बोलते हैं, इसी जगह को बोलते हैं सीलोम। जिनमें ये जगह खाली पाई जाती है उनको हम सीलोमेट बोलेंगे, जिनमें ये जगह खाली नहीं पाई जाती, इनमें कुछ ये मीजोडर्म पूरा भरा रहेगा, मतलब कि अगर ये जगह खाली नहीं है और इसकी जगह ये मीजोडर्म इसमें पूरा फिल है, समझ रहे हो, ये मीजोडर्म अगर पूरा फिल है तो हम उसको इस केस में क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ए सीलोमेट। क्या बोल देंगे, ए सीलोमेट। ए सीलोमेट मतलब सीलोम नहीं है, ए सीलोमेट, सीलोम नहीं है। लेकिन अगर ये खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस पाया जा रहा है तो इसको हम बोल देंगे सीलोमेट या यू सीलोमेट, कुछ भी बोल दो, सीलोमेट बोल दो या यू सीलोमेट बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये चीज समझ में आ गया, ए सीलोमेट और सीलोमेट। अब इसके बाद एक और टर्म आता है स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो सीलोमेट को कैसे समझोगे, इसी में समझाती हूं। स्यूडो सीलोमेट में क्या होता है, स्यूडो सीलोमेट में ये लाइनिंग, ये तो बात हो गई ए सीलोमेट की, बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है, ठीक, ये हो गई सीलोमेट जिसमें जगह है, हमको मालूम है जगह है। फिर एक आता है स्यूडो सीलोमेट जिसमें बीच बीच में मीजोडर्म से डेराइव कुछ सेल जो हैं अटके रहते हैं, ठीक, या तो एक्टोडर्म की आउटर लेयर पे अटके रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्लू लाइन के बाद कोई रेड लेयर दिख रही है, नहीं दिख रही है, लेकिन ये एक्टोडर्म के नीचे एक रेड लेयर दिख रही है। फिर यहाँ पे कुछ मीजोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़े थोड़े से पॉकेट्स के फॉर्म में, सैक्स के मतलब बैग्स के फॉर्म में। तो इनको देखने के बाद जब हम देखेंगे ना तो हमें लगेगा जगह है पर जगह नहीं है, लगेगा जगह बहुत जगह है पर जगह नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीज होती है, तो यहाँ पे देखने पे लगता है कि अरे ये व्हाइट स्पेस खाली तो है, अब खाली है तो सीलोम तो है, जगह तो है पर जगह नहीं है। जगह नहीं है मतलब क्या है, ये ए सीलोमेट है, सॉरी स्यूडो सीलोमेट है, मतलब देखने में लग रहा है कि सीलोम जो है प्रेजेंट है पर सीलोम प्रेजेंट नहीं है। तो ये चीज समझ गए, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और सीलोमेट, सबको समझ में आ गया। हाँ भाई मीरा जी, मीम ही है, जगह नहीं है।
तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आया हो फिर से देख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए सिलोमेट क्या होता है? जिनमें जगह नहीं है। क्या है? जगह नहीं है। ठीक। फिर यू सिलोमेट, जगह है। ये जो लाइट कलर से, लाइट स्किन कलर से जो दिख रही है आपको पोर्शन, बिल्कुल लाइट पिंक कलर से, मतलब जगह है। जगह है तो क्या है? सिलोम है। सिलोम है तो मतलब, पहले तो ये ट्रू सिलोम है, ट्रू सिलोम है। ठीक। ट्रू सिलोम किसको बोलेंगे? जिसके इनर पे भी, इनर पे भी मेसोडर्म की लेयरिंग होगी। देखो यहाँ पे रेड लेयर दिख रहा है, और जिसके आउटर पे भी मेसोडर्म की लेयरिंग होगी, और मेसोडर्म के फटने की वजह से बीच में स्पेस बनता है। ये अभी आगे पता चलेगा कैसे होता है। तो उनके फटने की वजह से ये बीच में स्पेस बनता है, और इसीलिए ये स्पेस जो होते हैं ट्रू सिलोम बोलते हैं, ट्रू सिलोम बोलते हैं। और इसके बाद स्यूडो सिलोम की बात की मैंने, तो स्यूडो सिलोम में देखो एक्टोडर्म के नीचे रेड लेयर है मेसोडर्म की, लेकिन एंडोडर्म के बाहर कवरिंग है क्या रेड लेयर की? है क्या? बताइए मित्रों, जगह है क्या? दिख रहा है जगह है, पर जगह नहीं है। लेयर है मेसोडर्म की, नहीं है। भाइयों बहनों देखिए, जगह नहीं है। तो जब जगह नहीं है तो ये हो जाता है स्यूडो सिलोम। ठीक। एक बार फिर से देखते हैं इनको, सबको एकदम कंफर्म कंफर्म क्लियर हो जाना चाहिए कि सिलोमेट क्या होता है, ए सिलोमेट क्या, क्योंकि आगे जब हम जितनी बार फाइलम्स पढ़ते जाएंगे ना, जितनी बार फाइलम्स पढ़ते जाएंगे तो ये बार बार आएंगे टर्म्स कि ये ए सिलोमेट है, ये स्यूडो सिलोमेट है। तो आप वहां पे सोचोगे, दिमाग घुमाओगे, क्या होता है ए सिलोमेट, क्या होता है ए सिलोमेट। तो नजर बना के रखिए, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। वापस से देखते हैं, ए सिलोमेट, अगर ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म इसका एग्जाम्पल हो जाते हैं ए सिलोमेट के। बहुत मोटा मार्कर है यार, प्लेटफॉर्म। ठीक। प्लेटफॉर्म इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? ए सिलोमेट्स हैं। अब प्लेटफॉर्म से पहले ना ये सिलोम वाला ही एक वाला कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता। ठीक है, प्लेटफॉर्म से ही डेवलप होता है। तो अब प्लेटफॉर्म जो है ए सिलोमेट है। अब इसके बाद अगर इस प्लेटफॉर्म को हम यहां से ऐसे कट कर दें, बीच में से चाकू चला दें, तो चाकू चलाने के बाद हमको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो बिल्कुल ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो उसमें हमको क्या क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है हमको ब्लू कलर का, ब्लू कलर का एक्टोडर्म। इस ब्लू कलर के एक्टोडर्म के नीचे हमको एक लेयर दिख रही है जो कि है मेसोडर्म। ठीक, मेसोडर्म। अब ये फिल है, ये फिल है मेसोडर्म से डराइव एक सेल से, जिसको बोलते हैं मेसेनकाइम। और ये मेसेनकाइम होता है सॉलिड, मतलब कुछ सॉलिड टिश्यूज यहाँ पे फिल हैं। और इसके बाद इसके अंदर एंडोडर्म होता है। इस एंडोडर्म से किसको कवर किया होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक को ये एंडोडर्म कवर किया होता है। तो अब बताइए कि जगह है क्या? हाँ बाबा, ब्लू कलर का है एक्टोडर्म जो है, यहाँ पे ब्लू है। और ये लालू लाल मेसेनकाइम है, जो मेसोडर्म है लालू लाल है सब। ठीक। तो यहाँ पे जगह दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। किससे भरी हुई है? ये पिंक कलर के मेसेनकाइम से भरा हुआ है, पिंक कलर के मेसेनकाइम से भरा है, मतलब जगह नहीं है। जब जगह नहीं है तो क्या हुआ? हुआ ए सिलोमेट। क्या हुआ प्यारे बच्चों? ए सिलोमेट हुआ। ठीक, समझ आ गया। अब हम चलेंगे स्यूडो सिलोमेट के पास, देखेंगे कि कैसे ये कंफ्यूजन दे रहा है। अब यहां पे ये जो स्यूडो सिलोमेट होते हैं, ये कहां बनते हैं? ये बनते हैं आपके एनीलिडा से पहले। ठीक, एनीलिडा से पहले जो आता है उसमें स्यूडो सिलोम बनता है। ये आएंगे राउंड वर्म्स और प्लेटी हेलमिंथीस।
अब इनमें क्या है, अगर इनको बीच से ऐसा काट दे, इन राउंड वर्म्स को काट दे, तो यहाँ पे सबसे बाहर ब्लू वाला लेयर फिर से किसको दिखा रहा है, ब्लू वाला लेयर फिर से एक्टोडर्म को दिखा रहा है, फिर रेड वाला लेयर किसको दिखा रहा है, मीजोडर्म को दिखा रहा है, फिर येलो वाला लेयर किसको दिखा रहा है, एंडोडर्म को दिखा रहा है। इनके बीच में हमको एक जगह दिख रही है, दिख रही है ना, लेकिन ये जगह, क्योंकि बाहर एक चीज, एक पॉइंट याद रख लो, जगह दिखे या जगह ना दिखे, अगर जगह दिख रही है और दोनों तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग है, मतलब वो ही ट्रू सीलोम है। उसके अलावा अगर जगह दिख रही है, मीजोडर्म की लाइनिंग एक जगह प्रेजेंट है, एक जगह एब्सेंट है, तो वो स्यूडो सीलोम है, भ्रम है वो आपका, कि ये यहाँ पे जगह है, ट्रू कैविटी है, ठीक बराबर। तो आपको यहाँ पे मीजोडर्म की एक लेयर दिख रही है एक्टोडर्म के नीचे, लेकिन एंडोडर्म के बाहर कोई लेयर नहीं है मीजोडर्म की। तो यहाँ पे दिख रहा है जगह है, बट जगह नहीं है। तो क्या आपको याद रखना है, दिख रहा है कि जगह है बट जगह नहीं है। जगह क्या है, नहीं है, बराबर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये यही चीज मैंने बताई स्यूडोसिलोम की, ये निमेटी हेलमेंथीज या बोले तो राउंड वॉर्म में होता है। इसके बाद अगर हम एक्चुअल सिलोम्स की बात कर लें, एक्चुअल सिलोमेट्स की बात करें, तो मैंने क्या बोला था आपको, ट्रू कैविटी इज इक्वल टू यू सिलोमेट, ठीक। अब यू सिलोमेट होने की कंडीशन क्या है, मीजोडर्म लाइनिंग अराउंड द कैविटी और मीजोडर्म लाइनिंग भी क्या, डबल मीजोडर्म लाइनिंग, डबल इनर भी आउटर भी, दोनों तरफ से मीजोडर्म से घिरा होगा, तभी हम उसको यू सिलोमेट बोलेंगे। अब इधर देखो, जो रानी कलर का है, जो पिंक कलर का है, वो क्या हो गया आपका एक्टोडर्म, जो येलो कलर का है वो आपका क्या हो गया गट, और गट के बाहर जो ग्रीन कलर का हरा हरा दिखाई दे रहा है, वो हरा हरा क्या है, वो हरा हरा है एंडोडर्म, ठीक। इसके बाद आपको कुछ स्लेटी कलर का, ग्रे कलर का, जो भी कह लीजिए, तो इस ग्रे कलर का एक ये मीजोडर्म की लाइनिंग दिख रही है दोनों तरफ, उसके बीच में ये व्हाइट कलर का स्पेस दिख रहा है, खाली जगह, मतलब जगह है, पहली कंडीशन जगह है पूरी हो गई, दूसरी जगह मीजोडर्म से कवर है, मीजोडर्म से कवर है, दो कंडीशन आपकी पूरी हो जा रही है। यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, मतलब सीलोम है, प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। तो ये कहाँ कहाँ होगी, ये एनी लीडा से ट्रू सीलोम शुरू हो जाएगी और कॉर्डेटा तक, मतलब हम तक, हम सब में ट्रू सीलोम पाया जाता है, एनी लीडा से हम सब में, और पंक्षियों में और एम्फीबियंस में और सांपों में, सब में क्या है, सब में ट्रू सीलोम पाया जाता है। बात बराबर हो गई, क्लियर। अब देखो इसमें भी वेरिएशन है। अब जो हम सीलोमेट जिनको बोल रहे हैं, जिनको हम सीलोमेट बोल रहे हैं, वो भी दो तरह के होते हैं, मतलब जिनमें ये मेजोडर्म होती है, अब वो दो तरह से होती है। जनरली देखने में तो हमको वो बस सीलोमेट दिखाई देंगे, बट अगर हम उस गैस्ट्रुला स्टेज पे जाएं और वहां पे देखें कि कैसे ये डेवलप हो रहा है मीजोडर्म, ठीक, देखें कि मीजोडर्म कैसे डेवलप हुआ है और मीजोडर्म से कैविटी कैसे डेवलप हो रही है, तब हमको पता चलता है कि ये जो यू सिलोमेट है, ऐसे यू सिलोमेट नहीं है, इसमें भी दो डिफरेंशिएशन है। तो अब ध्यान से सुनो, पहला तो हमने देखा कि मीजोडर्म के बीच में अगर जगह है तो उसको ट्रू कैविटी बोलते हैं, यानी उसको सिलोमेट बोलते हैं या यू सिलोमेट बोलते हैं। लेकिन अब ये यू सिलोमेट भी दो तरह के होते हैं। पहली बार में अगर आप यू सिलोमेट के सेक्शन को देखोगे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये सीजोमेट सीजोसिलोमेट है
या एंटेरोसिलोमेट है, दो तरह के होते हैं, सीजोसिलोमेट एंटेरोसिलोमेट, तो आप पहली बार देख के नहीं बता सकते हो। जब आप उसके डेवलपमेंटल स्टेज पे जाओगे, जब वो डेवलप हो रहा होगा गैस्ट्रुला स्टेज पे या जिस भी स्टेज पे, तो गैस्ट्रुला स्टेज पे जब ये डेवलप हो रहे होते हैं तो उस टाइम मीजोडर्म कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, उस पे डिपेंड करते हैं सीजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। अब देख लो, सीजो किसको बोलते हैं, एंटेरो किसको बोलते हैं। देखो, हमने बात की कि जब हम उसके डेवलपमेंटल स्टेज पे जा रहे हैं, गैस्ट्रुला स्टेज पे जा रहे हैं, तब हमको दिख रहा है कि ये सिलोमेट जो है, यूसिलोमेट, उनके डेवलपमेंट के तरीके में भी क्या है, डिफरेंस है, दो तरीके से डेवलप हो रहे हैं। तो पहले को हम बोलते हैं सीजोसिलोमेट और बाद वाले को बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। एंटेरोसिलोमेट जो है वो डेवलप एनिमल्स में पाया जाता है, सीजोसिलोमेट जो है वो उससे थोड़े पहले पाए जाते हैं। मतलब शुरू में जब सिलोमेट बना तो शुरू में सीजोसिलोमेट बना, जब एनिमल और डेवलप हो गए तो वो एंटेरोसिलोमेट में बदल गए। अब सीजोसिलोमेट कैसे हैं आप देखो, सीजोसिलोमेट क्या होती है, ये आपका गैस्ट्रुला स्टेज है समझ लो, ठीक। यहाँ पे जो ब्लू ब्लू कलर के सेल्स दिख रहे हैं ये हैं आपके मीजोडर्म के सेल, सही है, समझ आ रहा है। यूपी में कहां से हैं अनामिका भैया, सब लोग अनामिका के एड्रेस क्यों पूछे जा रहे हैं, हम भोपाल से हैं, हम यूपी से हैं, भाई भाई कहां से हैं। देखो ध्यान से देखो बिट्टू लोगों, बच्चे लोगों, देखो ये जो ब्लू सेल्स हैं, ठीक, इस स्टेज पे ये फर्दर डिवाइड होती हैं, बहुत डिवाइड होती हैं, और डिवाइड होके क्या ये इलोंगेट हो जाती हैं, और जैसे जैसे ये इलोंगेट होती हैं, इलोंगेशन के बाद ये अपने बीच में एक ब्लैंक स्पेस बनाती हैं और ये प्रॉपर मीजोडर्म बन जाता है। दो सेपरेट पार्ट्स में ये इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं, एक ये मीजोडर्म की लेयर हो जाती है और एक ये वाली मीजोडर्म की लेयर हो जाती है। यहाँ पे ये जो है वाइट पोर्शन, ये आपको कैविटी दिखा रहा है, ये आपको सीलोम दिखा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, मीजोडर्म सेल्स अलग से हैं, वो किसी से जुड़े नहीं है, ना तो एंडोडर्म से जुड़े हैं ना तो एक्टोडर्म से जुड़े हैं, सेपरेटली मीजोडर्म की लेयर हो रही है जो कि फर्दर डिवाइड हो रही है और अरेंज हो रही है, फर्दर डिविजन एंड अरेंजमेंट उसमें क्या ला रहा है, उसके बाद इलोंगेशन हो रहा है और उसके बाद ये सीजोसिलोमेट बन जा रहा है, बराबर। एंटेरोसिलोमेट के केस में क्या होता है, आपको ये जो लालू लाल लेयर दिख रही है ये आपकी मीजोडर्म की लेयर है, और ये लालू लाल लेयर जो है ये अपने पीलो पीलो कलर येल्लो येल्लो डर्टी फल्लो के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि कौन है, एंडोडर्म है। तो ये लाल पीला ने अपनी जोड़ी बना ली है और ये दोनों जोड़ी मीजोडर्म एंडोडर्म आपस में जुड़े होते हैं, ठीक। ये आपका एक्टोडर्म है, यहाँ पे कौन जुड़ा है, एंडोडर्म और मीजोडर्म आपस में जुड़े हुए हैं। तो एंटेरोसिलोमेट के केस में जब शुरू का डेवलपमेंटल स्टेज हम देखते हैं तो देखते हैं कि मीजोडर्म और एंडोडर्म आपस में जुड़े होते हैं। पिछला वाला केस याद है, यहाँ पे जो नीला नीला सेल था, तो ये जो नीला नीला सेल था ये अलग से था, किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन जब ये वाला केस आ जाता है तो ये यहाँ पे एंडोडर्म एंटेरोसिलोमेट में ये एंडोडर्म से जुड़े होते हैं। फर्दर ओरिएंटेशन रीअरेंजमेंट और डिवीजन के बाद ये टिश्यूज अलग अलग हो जाते हैं, दो पाउचेस में बढ़ जाते हैं, ये क्लीव ऑफ कर लेते हैं अपने आप को एंडोडर्म की लेयर से और दो डिफरेंट पाउचेस बना लेते हैं। तो अब ये मीजोडर्म के छोटे छोटे दो पाउचेस बन गए। अब वापस इनमें यही होता है कि ये स्प्लिट होते हैं, इलोंगेट होते हैं और दो मीजोडर्म की लेयर बना लेते हैं। अब बताओ इसमें कोई डिफरेंस है क्या, जब यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हो दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, नहीं। डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है, इस वाले स्टेज में दिख रहा है दोनों में, बराबर। यहाँ पे देखो लूजली ये कहीं भी बीच में इन मिडिल बिटवीन है, जबकि यहाँ पे क्या, लाल और पीले लेयर आपस में जुड़े हुए हैं, एंडोडर्म और मीजोडर्म आपस में जुड़े हुए हैं। जब जुड़े हुए हैं तो डिफरेंस दोनों सिलोमेट्स में कहाँ आ रहा है, इस डेवलपमेंटल स्टेज पे आ रहा है, गैस्ट्रुला वाले डेवलपमेंटल स्टेज पे आ रहा है, बराबर। एक क्वेश्चन है, जरा बताओ मुझे।
ये आया हुआ है जून 2012 में, पूछा गया द सिमेटिक सेक्शन ऑफ गिवन बिलो ऑफ एन एनिमल इंडिकेट दैट द एनिमल इज क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, इनवर्टिब्रेट है, क्या है, कैसे बताओगे कि वर्टिब्रेट है इनवर्टिब्रेट है। मैं बताती हूँ, दिमाग ज्यादा नहीं लगा, एक्टोडर्म के लिए प्रेजेंट है, ठीक प्रेजेंट है, फिर मीजोडर्म प्रेजेंट है, तो हाँ प्रेजेंट है, ये व्हाइट वाला पोर्शन मीजोडर्म है, ये वाला पोर्शन मीजोडर्म है, ठीक। एक्टोडर्म प्रेजेंट है, ये ब्राउन वाला लेयर एक्टोडर्म है, ठीक। तो तीन लेयर तो दिख रहे हैं, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो फिक्स ही फिक्स है, तो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ, ये तीनों में अभी सोचा जा सकता है, ठीक। उसके बाद अगर देखो तो अब क्या है, बात हो गई कि सीलोम प्रेजेंट है या सीलोम प्रेजेंट नहीं है। अब बताओ मेरे को देख के कि सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट है क्योंकि मीजोडर्म की लेयर अंदर भी एंडोडर्म को कवर किए हुए है, बाहर भी एक्टोडर्म के नीचे इसकी लाइनिंग है, और ये जो है ये स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है। अब जब ब्लैंक स्पेस है तो क्या है, सीलोमेट है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, सीलोमेट हो गया। अब हमको बताना कि ये वर्टिब्रेट है या इनवर्टिब्रेट, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये क्यों दिया हुआ है, यही दिया हुआ है पहचानने के लिए, जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है ये साइन होता है इनवर्टिब्रेट्स का, आगे जब पढ़ोगे आप तो पता चल जाएगा। तो जब पूरी एनिमल फिजियोलॉजी के पूरी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तब आप पहचान जाओगे कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट क्या है। तो उस केस में तो अभी ये पहचान लो, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट तो है ही है, तो ये दो हो गए और ये इनवर्टिब्रेट, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा। फिर उसके बाद सीलोमेट्स हैव, कौन सा स्टेटमेंट सही है बताओ। तो चलो एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं, सीलोमेट्स हैव फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, तो सही बात है, फ्लूइड फिल्ड होती है इसीलिए खाली जगह होती है, अ कंप्लीट लाइनिंग कॉल्ड पेरिटोनियम, तो यस, ये जो मीजोडर्म की लाइनिंग है वो पेरिटोनियम बोलते हैं उसको, वो डिराइव होती है किससे, मीजोडर्म से, तो मीजोडर्म की लाइनिंग दोनों तरफ होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद ये बोला है कि पेरिटोनियम से कवर होती है लेकिन पेरिटोनियम डिराइव किससे हो रहा है, एक्टोडर्म से, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फिर बोला कि सीलोम के लिए राउंड वर्म जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑर्ग है, फिर बोला है फ्लैट वर्म अज रिप्रेजेंटेटिव, तो फ्लैट वर्म्स में क्या है, फ्लैट वर्म्स में स्यूडोसीलोम पाया जाता है, सॉरी प्लेटफॉर्म जो है एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट क्यों होते हैं क्योंकि उनमें जगह नहीं होती है, बीच में जो मीजेनकाइम होता है वो मीजेनकाइम सॉलिड होता है, जब प्लेटफॉर्म्स प्लेटी हेलमेंथी की बात करते हैं हम, तो जो मीजोडर्म की लेयर होती है वहां वो सॉलिड होती है, मीजेनकाइम बोलते हैं उसको, और वो इतनी सॉलिड होती है कि कोई स्पेस नहीं बनाती है, भरी होती है टिश्यू से, तो जब स्पेस नहीं बनाती है तो स्टेटमेंट ई गलत है, सी गलत है, सही कौन से हैं, ए बी एंड डी, तीन स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। अब देखो क्वेश्चन कितने इजी इजी आते हैं इसमें, ये आपको देख के पता चल गया होगा, ले बिल्कुल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल आप इजिली ये चीजें कर लोगे। अब एक और क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि जब प्रोटोस्टोम डेवलप होते हैं तो पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है, प्लस क्या बोला था कि स्पाइरल क्लीवेज होता है, स्पाइरल क्लीवेज से प्रोटोस्टोम बनते हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो मुकाम। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा आपको यहाँ सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, वन टू वन डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, यूज करिए कोड वेद 20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी HPD।
वेदमी एजुकेटिंग इंडिया वेदमी एजुकेटिंग इंडिया वेदमी एजुकेटिंग इंडिया।